नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल है। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी जिसको मैं बोलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना याद रखना कि नो स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ऐसा मार्केट में कुछ होता नहीं। एवरीथिंग हैज अ स्टॉप लॉस, बट आपका एक्यूरेट कितना हो, आपको 96% एक्यूरेट हो, 98% एक्यूरेट हो, मतलब आप इस स्ट्रैटेजी में 10 ट्रेड लोगे तो 2 आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, लेकिन 8 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट कम्स। तो मेरा यही मोटिव रहता है ये यूट्यूब चैनल से कि जो स्ट्रैटेजी जो पढ़ाई मैंने की है, इतने साल मैंने अगर दिए है किसी चीज को, अगर मेरे को ये चीज आ रहा है वो चीज मैं आपके तरफ पहुंचाऊं, ये मेरा एक मोटिव रहता है। ये चैनल का यही एक मोटिव रहता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल स्ट्रैटेजी है, जिसको अगर टाइम नहीं है, जो घाई आए में ये वीडियो देख वो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर इस चीज को आप समझोगे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस स्ट्रैटेजी को नहीं समझोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। तो अगर जब भी आपके पास टाइम रहेगा, आपके पास आराम से 20-25 मिनट रहेंगे, तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद अपने चार्ट्स में एनालाइज कर, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपने स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। अभी इस स्ट्रैटेजी को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एवरी पॉसिबल वे निकाल के रखे हैं। अभी क्या क्या लगेगा, क्या कौन सा ऑप्शन लगेगा, तो दिस इज ऑप्शंस, ऑप्शन स्ट्रैटेजी को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। हम लोग इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, और हम लोग इसके इक्विटी एज वेल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम लोग को क्या क्या चाहिए, हम लोग को कितना नॉलेज रहना चाहिए और हम लोग कितने वेबसाइट चालू करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडिंग व्यू है आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रेडिंग व्यू है। तो ट्रेडिंग व्यू आपको डेफिनेटली लगेगा, जो ट्रेडिंग व्यू पे मैंने क्या क्या लगाया है, यहाँ पे क्लिक करो, पाइवट पॉइंट्स है, पाइवट स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स में जाके आप पाइवट स्टैंडर्ड यूज कर सकते हो। उसका सेटिंग थोड़ा अलग है सर, सेटिंग में मैंने फिबोनाची और डेली की, ठीक है। तो ये यहाँ से ट्रेडिशनल रहेगा आपके पास, तो यहाँ से फिबोनाची करना और यहाँ से डेली करना, ये पाइवट हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया। प्लस एक इंडिकेटर आप लोग को ऐड करना है, विच इज 15 मिनट्स पे 20 EM, जो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो 20 EM है और पाइवट पॉइंट्स ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग का हो गया। सेकंड चीज हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सेकंड चीज चाहिए NSE वेबसाइट। तो मॉर्निंग में होम अगर जाओगे, 9:15 से टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कब आइडेंटिफाई होते हैं, 9:15 से लेके 9:30 के बीच में आइडेंटिफाई होते हैं। तो आपको 9:25 को ये वेबसाइट देखना है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि गेनर्स कितने हैं, तो ग्रैसिम हो गया, ITC हो गया, JSW हो गया, जितने भी आपको टॉप 5 दिख रहे हैं उसमें से 2 पिक करो या फिर 3 पिक करो, उसको आप लोग सिलेक्ट कर। तो मैंने यहाँ पे कितने सिलेक्ट किए हैं, JSW सिलेक्ट किया है, ग्रैसिम सिलेक्ट किया है और ITC सिलेक्ट। तो ITC में भी मैं और सेटिंग करके रखा हूँ, मतलब एक ही चार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरी टाइम आप लोग को समझा रहा हूँ कि कौन से चार्ट पे हम लोग जाना चाहिए। तो दिस इज JSW जो मैंने निकाल के रखा है, और ITC और क्रैसन। अभी आप बोलोगे ट्रेडिंग व्यू हो गया, NSE हो गया, ये दोनों हम लोग को आते हैं। थर्ड आप लोग को चीज लगेगा, दैट इज अपना जीरोदा, जो भी ब्रोकर है, आप जीरोदा में ट्रेड करते हो तो मेरा जीरोदा का ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे प्रीमियम आप जो सिलेक्ट करते हो, जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर भी सेम सेटिंग यूज करना है, फिबोनाची डे, फिबोनाची और डेली जो पाइवट पॉइंट है, और इसमें आपको ऐड करना है और एक इंडिकेटर विच इज EMA जो है 20। तो 20 EMA हम लोग को लगाना है यहाँ पे, जो यहाँ पे बहुत ही गलत कलर है, 20 स्टाइल में यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग व्हाइट लगाएंगे, ठीक है। तो ओके दबाएंगे यहाँ पे, तो ये चीज इट्स वेरी थिक और हम लोग को समझ में आ जाता है कि क्या स्ट्रक्चर है। तो मैंने तीनों का एक प्रीमियम निकाल कर, अभी आप लोग को इतना समझ में आया रहेगा कि ये कुछ चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन का कुछ एक मिक्सचर रहेगा। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अभी मैंने इधर गलती से ये मैं लगाया, सॉरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द NSE वेबसाइट। अभी समझो मानो 9:00 हो गए, आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे कितने बजे बैठते हो आप मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं 8:30 तो बैठ जाता हूँ अगर मेरे को बैंक निफ्टी ट्रेड करना है। तो अगर मैं फॉरेक्स करता हूँ तो मेरे को 7 बजे उठना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मेरे दोनों ट्रेड चालू ही रहते हैं। फॉरेक्स 5:30 को एक अच्छा ट्रेड देता है, मॉर्निंग 5:30 को अच्छा ट्रेड देता है, तो मैं कभी कभी 5:30 को भी उठ, प्रोवाइडेड अगर मैं कुछ वो ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, कभी कभी नहीं उठ पाता हूं तो नहीं लेता। तो फॉर बैंक निफ्टी जितने भी लोग हैं 8:00 को उठ जाते हैं, लेकिन अपना काम कब आएगा मालूम है,
अपना काम तभी आएगा जब मार्केट में 9:15 और 9:30 का एक कैंडल फॉर्म होता रहेगा, उसके बाद हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज। फॉर दैट हम लोग उसके पहले अब क्या करेगा, बोलेंगे सर अभी हम लोग ने ये सब कर दिया, 8 o'clock को मेरे को आप बताओगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, तो यू हैव टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि मैं निफ्टी का अगर मैं देखूँ तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रख देने का, मतलब आप लोग को ईजी होना चाहिए कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, ये भी नहीं करोगे तो भी इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन पहले एनालाइज करो मार्केट का ट्रेंड। अभी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्क माय वर्ड्स, जो भी मैं बोल रहा हूँ बुक में लिखो, बहुत अच्छा, बहुत ही आप लोगों को फायदा होगा। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मतलब प्री मार्केट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, मार्केट इज बुलिश, उसी चीज का आप एक स्टॉक लो विच इज बुलिश। अभी मार्केट समझो निफ्टी बुलिश है, सेम एज निफ्टी बुलिश होने के साथ ग्रैसिम भी बुलिश था, आप देख रहे हो इन अ लॉन्ग रन इट्स अ बुलिश ट्रेंड, तो आप लोग का मैच होना चाहिए विद द मार्केट एंड द स्टॉक। अगर मैं बताऊं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी बेरिश है, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी बेरिश है और निफ्टी बेरिश है और आपका रिलायंस बुलिश है, तो डोंट गो फॉर दैट। अगर आपका बैंक निफ्टी निफ्टी बुलिश है और आपका स्टॉक भी बुलिश है, डेफिनेटली गो। तो आप लोग को पहला चीज क्या प्रेडिक्ट करना है, आप लोग को बता रहा हूँ टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। अभी मैंने गेनर्स से एग्जांपल्स लेके आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो NSE वेबसाइट में जाने का, यहाँ पे NSE.com सर्च कर सकते हो, होम पेज में टॉप 5 स्टॉक्स आते हैं जो गेनर्स और लूजर्स है। तो टॉप गेनर्स में मैंने ग्रैसिम, ITC और JSW यूज किया, बाकी में मैं ले सकता था लेकिन इतना एग्जांपल्स मतलब 5 है तो 2 चूज करो, अपने मन पसंद के 2 चूज करो। उसके बाद क्या करना है, आपको वॉचलिस्ट में मालूम पड़ गया कि आप लोगों को 3 स्टॉक लेने हैं। अभी वॉचलिस्ट में होने के बाद 15 मिनट्स का एनालिसिस देखो, अभी ITC पहले नहीं देखेंगे क्योंकि ITC में थोड़ा कैच है, हम लोग विल टॉक अबाउट ग्रैसिम फर्स्ट, ठीक है। तो ग्रैसिम आप लोगों को समझ में आ गया कि इट्स अ बुलिश स्टॉक, तो ये सेटिंग मैंने करके रखा है। तो सेटिंग क्या है मेरा, फिबोनाची पाइवट, फिबोनाची डेली, ये ठीक है, फिबोनाची और पाइवट पॉइंट्स का ये मेरा सेटिंग है, ये मैंने करके रखा है, एंड दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके ऊपर मैंने 20 EMA लगाया। अभी लेट द 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जब खत्म होता है, मार्केट का टॉप लो मार्क करो, करेक्ट, एंड इसका हाई मार्क करो, हाई। अभी इसका हाई क्या, 15 मिनट्स का आप लोग को 9:27-9:28 पे आप लोग को जो हाई मिलेगा ना उसको पकड़ के बैठना। अभी हाई क्या था इसका, 1702, करेक्ट। तो 1702 को 1% ऐड करना है। अभी ये मेरा फोन है, फोन में मैंने 1702 प्लस 1%, तो मेरा क्या स्टॉक आता है 1720 आता, बट 1% हम लोग को ऐड करना है तो 1720 आता। तो यही चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 1700 ड्रॉ किया है, तो ग्रासिंग का आप लोग के लिए सामने 1720C मैं ऐड करके रख, ठीक है। तो दिस इज माय चार्ट एनालिसिस। अभी मैंने यहाँ पे बाय करके रख, मैंने ये निकाल के रख दिया। अभी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को देख, तो वेर इज द सपोर्ट एंड वेर इज द रेजिस्टेंस आप लोग दिखाई दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट, यहाँ पे मेरे को अच्छे से दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कम्प्लीटली दिखाई दे रहा है कि दिस इज द ग्रेट सपोर्ट, ग्रैसिम का मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट्स अ ग्रेट सपोर्ट ओवर हियर, देखो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि ये S1 भी नीचे है और हम लोग इसका सपोर्ट भी नहीं, करेक्ट। तो ये चीज हम लोग ने मार्क कर दिया समझो। अभी इसके बाद मार्क करने के बाद हम लोग को समझ में आता है कि अराउंड 20 EMA के अबाउ रिट्रेस करेगा, इट्स अ बाय हियर ऑल्सो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलता है, लेकिन 20 EMA के अबाव अगर आप बाय करते हो तो इट्स अ वेरी गुड बाय। तो 48 के अराउंड आप बाय कर सकते हो, 1% ऐड करने और 48 के अराउंड आप बाय कर रहे हो, आपका लॉट साइज इज 475 48 पे, मतलब आपका कैपिटल कितना यूज हुआ, हाँ, तो 475 × 48 हम लोग ने बाय किया, 22,000 का आपको पैसा लगेगा, मतलब 22,000 आप बाय करने के लिए लगा सकते हो। एंड यू हैव टू एग्जिट, ट्रेल करना है 20 EMA को लेकर, 20 EMA जब भी टच होगा यू विल एग्जिट द ट्रेड। तो यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जिट करना है तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, तो अभी 20 62 - 48 14 × 475 आपको 6,000 rupees का मिनिमम प्रॉफिट हुआ ऑन 22,000 कैपिटल। आपका स्टॉप लॉस कितना है, अगर आप इसी चीज को स्टॉप लॉस लगा के पूरा छोड़ते थे 48 का, इट वेंट अप टू 99, तो अभी हम लोग 48 to 99 अगर हम लोग लगाए, 99 - 48 51 into
24,000 का प्रॉफिट हो सकता था अगर आप होल्ड करते हो इसको। मेरा एक मानना है कि आप कभी भी टॉप बॉटम उसको पकड़ नहीं सकते। अगर मैंने ग्रासिम को यहाँ पे बाय किया है 48 कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे उसका एग्जिट कर ही दूंगा, 80 रुपीज पे मैं एग्जिट कर ही दूंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर रिट्रेस होने को लगा तो मैं एग्जिट यहाँ पे भी कर। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आपको समझना है इस चीज को अच्छे से तो दिस कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। ठीक है, अभी इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये डेली पे हो गया। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझा। या तो आपको ये भी नहीं समझ रहा है तो हम लोग इसका सपोर्ट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची पिवोट, वो सब के बारे में। अभी हम लोग 15 मिनट्स का एनालिसिस पे, इस पे भी आप लोग एक बार बता दो। यहाँ पे पिवोट स्टैंडर्ड ड्रॉ करेंगे, इसके बाद इसका सेटिंग ट्रेडिशनल से फिबोनाची और डेली करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स में ऐड करने के बाद ईएमए हम लोग ऐड करेंगे और उसका सेटिंग हम लोग क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। आप लोग के लिए बता रहा हूँ फिर से एक बार ताकि आप लोगों को समझे, इसका वेट थोड़ा ज्यादा रखना। तो आपको टारगेट तो समझ में आता ही है कि क्या है। अगर R3 इसने टच किया है, यू कैन जस्ट चेंज द सेटिंग, डेली से आप वीकली कर सकते हो। तो वीकली में आपको R3 R4 क्या है, वीकली का भी टच हो गया है, 75 है, 48 पे लेके 75 पे टारगेट, विच इज वेरी नॉर्मल। अभी नेक्स्ट चीज हम लोग को क्या देखना है, ग्रासिम, इसके बाद दोनों चीज पर स्टॉप लॉस आप लोग को ध्यान से दे। ठीक है, तो ये मेरे को सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी इसको देख के हम लोग ट्रेड लगा सकते हैं पूरा। तो इसका मूवमेंट देखो कैसा, 20 एमए को टच किया, ऊपर चला गया और यहाँ पे ही मेरा टारगेट उसने हिट करके हम लोग ने एग्जिट कर लिया। तो ग्रासिम एक चीज है जो प्रॉफिट। अभी नेक्स्ट क्या चीज है, JSW। अभी JSW का 15 मिनट्स का कैंडल कैसा, थोड़ा बेरिश है, तो वो रिट्रेस होकर 20 एमए से घुमा, तो S1 भी आप लोग को यहाँ पे दिखाई देता है। तो 15 मिनट्स के एनालिसिस के साथ टॉप हाई का हम लोग 1% ऐड करेंगे, ओपन का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपन हाई का ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग को क्लोज उस पे ही रहता है मोस्टली। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा whenever the market closes ना, उसका एवरेज, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को हाई बोला था, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ क्लोजिंग पे आप फोकस करो। क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, तो ये 27 मिनट्स मैंने एक्चुअली बोला 27 और 28, मतलब 927 और 928 का जो भी प्राइस रहेगा मार्केट करंट प्राइस, उसको आपको मार्क करना। तो अगर इसका क्लोज का क्या है, 735 करेक्ट, तो 735 को मैं 1% ऐड करूंगा, 735 प्लस 1% विच इज 742। अभी इसको ही हम लोग 740 का हम लोग ने चार्ट निकाला करेक्ट। तो यहाँ पे 15 मिनट्स के एनालिसिस पे आप लोग को दिख रहा है 742 का मैंने चार्ट निकाला। अभी इसका वीकली हो गया था, अभी इसको वापस हम लोग डेली पे करेंगे तो हम लोग को समझ में आए। ठीक है, तो डेली पे हम लोग ने स्टॉप लॉस किया अपना। स्टॉप लॉस इज वेरी सिंपल, इसके S1 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है करेक्ट। तो S1 के नीचे अगर स्टॉप लॉस है हम लोग का, तो मेरा बाय किधर दिख रहा है आप लोग को, अबाउ 20 EMA, विच इज हियर 28 रुपीज पे मैंने बाय किया विद द स्टॉप लॉस ऑफ EMA और R3 का टारगेट, मतलब यहाँ से 9 पॉइंट्स मेरे को मिला है। और उसका JSW का बाय क्या है, 1350, तो 1350 × 9 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 12,000 का प्रॉफिट। तो दिस इज JSW। अभी लास्ट एग्जांपल एक मिनट देखेंगे, फिर विल एंड द लेक्चर। इसमें मैं और एक टिप दूंगा आप लोगों की, हाउ टू आइडेंटिफाई। यहाँ पे 15 मिनट्स का एनालिसिस पे 258 क्लोजिंग कहाँ पे, इसका क्लोजिंग इज 257, तो 257 प्लस 1%, मतलब 259 के अराउंड उसका 1% आता है करेक्ट। तो 1% 260 का रहेगा, 260 का कॉल हम लोग देखेंगे करेक्ट। तो 250 का यहाँ पे निकाला हुआ है, 260 का देखना नॉर्मली। और यहाँ पे अगर हम लोग बाय करेंगे, लॉट साइज 3200, अबाउट 220 EMA हम लोग बाय करेंगे करेक्ट, है ना, हमेशा याद रखना अबाउट 20 EMA हम लोग बाय करें। तो दिस इज माई बाय, R3 इज माई टारगेट, R1 R2 R3, 1 2 3 टारगेट रहेगा। तो 12 rupees पे हम लोग 3000 का कुछ बाय कर रहे करेक्ट, 3200। तो यहाँ से यहाँ तक 5 rupees, 16,000 rupees, मतलब एक ही दिन में आप उधर 12,000, इधर 16,000, मतलब अराउंड 30-40,000 आप कमा सकते थे विद दिस स्ट्रैटेजी। तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आ रहेगा। इसका कैच है कि 15 मिनट्स कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही आप ट्रेड करना। 15 मिनट्स कंप्लीट होना मतलब 9:15 to 9:27, 9:27-9:28 में जो भी करंट मार्केट प्राइस रहेगा ना, उसको एड करना 1% के साथ, उसका ऑप्शन बाय करना। अब आगे पीछे ऑप्शंस करोगे तो आपको नुकसान होगा। 927 को ऑप्शंस रहेगा, जो भी ऑप्शन रहेगा, जो भी करंट प्राइस रहेगा, उसको 1% ऐड करना है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 100 rupees का एक स्टॉक है, 927 को ये 100 rupees के आसपास चल रहा है, उसको 1% ऐड करना मतलब क्या होता है, उसका 1%, 101 का आपको CE बाय करना है। अभी कभी कभी 101, 102 नहीं होता करेक्ट,
तो आप राउंड फिगर पे बाय करना, 1010 तो रहेगा, 105 तो रहेगा, दिस वॉज द कैच, करेक्ट। तो हम लोग यही काम करेंगे कि आपको अगर 101 दिखाई दे रहा है, 102 दिखाई दे रहा है, तो आपको 110 राउंड फिगर बाय करना है वो स्टॉक। जैसे मैंने यहाँ पे कैसे निकाला है, 1720 निकाला है, 740 निकाला है, 700 निकाला है, 250 निकाला है। वैसे अगर इस चीज को आप ट्रेल करके रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखो ITC में आपको यहाँ पे मैंने बाय दिया है और 8 rupees का प्रॉफिट था, प्लस 3200 प्लस 8 rupees, 5 rupees नहीं 8 rupees, 3200 इंटू 8, 25,000। बहुत बहुत वंडरफुल स्ट्रेटेजी है इंडीड, क्योंकि 20 EMA के अबव बाय रहता है तो वो काफी अच्छा चलता है। मेरे को बहुत अच्छे से इसमें यूज हुआ है, मैंने बहुत इसमें स्ट्रैटेजी बिल्ड किया है। ये मैंने वीडियो पहले भी डाला था, लेकिन तभी के टाइम पे इतना प्रॉपर नहीं था, हम लोग का माइक नहीं था बराबर, सो फॉरगेट दैट, इसलिए मैं ये चीज अभी निकाल रहा हूँ। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया रहेगा। ऐसी इसका और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा तो मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा उसका। मेक श्योर कि ये चीज आप प्रैक्टिस करो। 15 मिनट्स एनालिसिस है, पिवट पॉइंट्स है और ऑप्शंस का 1% है, ठीक है? ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहे तो कमेंट करना, लाइक करना, और ऐसे वीडियोस, ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए लाते रहूंगा। थैंक यू, शब्बा खैर।